सर मॉर्निंग, हमारी तो रिकॉर्ड हाईज की पार्टी लगातार जारी है। कल भी हमने हर एक एक मिनट पे रिकॉर्ड हाईज, ऑल टाइम हाईज बनते हुए देखे। सर बताइए, आज भी क्या ऐसा ही सेशन जारी रहेगा, क्या करना है? गुड मॉर्निंग। यहाँ देखिए, संकेत तो आज कम है ग्लोबल मार्केट से, क्योंकि अमेरिका में छुट्टी का माहौल, छुट्टी थी, और बाकी एशियाई बाजारों में भी मिला जुला सा कारोबार बड़ी बढ़ती है, और ऐसे में हमें अपने संकेतों के दम पर ट्रेड करना है। हमारे संकेतों में दो तीन चीजें अच्छी है। एक तो ये कि हम लाइफ टाइम हाई पर बंद हुए लगातार चौथे दिन के दौरान, और क्लोजिंग बेसिस पे हाई बनाए, तो तकनीकी तौर पर बाजार बेहद मजबूत है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। दूसरा ये कि एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े अभी भी दमदार आते हुए दिख रहे हैं। कल के सेशन में भी बढ़िया खरीदारी एफआईएस की तरफ से होती हुई दिखी, तो फ्लोस के लिहाज से कहीं कोई समस्या है नहीं, वो एक दूसरा पॉजिटिव है। बाकी रहा सवाल हमारे बाजारों का, कल वाली स्ट्रेटजी के साथ ही चलेंगे। कल हमारी स्ट्रेटजी यही थी कि पहले टिप पर खरीदारी कीजिए, और कल आपको 45,000 पर बैंक निफ्टी और 19,300 पर निफ्टी में एंटर करने को मिला। आज भी यही रणनीति होगी कि अगर आज शुरुआत हो या फिर मजबूत शुरुआत होने के बाद बाजार पहली डिप दिखाए, उस पहली डिप में आपको खरीदना चाहिए। और कहाँ खरीदना है? 19,235, 19,300 ये पहली रेंज है। इस रेंज में आने पर आपको खरीदारी कर लेनी चाहिए, ये सपोर्ट का काम करेगी। ऊपरी स्तरों पर वैसे तो लाइफ हाई के पार निकलने के बाद, यानी कि 19,435 के ऊपर निकलने के बाद कहना मुश्किल है कि कितना और ऊपर जाएंगे, लेकिन 19,500 के आसपास ऑप्शन डेटा के लिहाज से छोटी सी हल्की फुल्की रुकावट है, और इसलिए मैं ऊपर की रेंज 19,450 से 19,500 लेकर चल रहा हूँ। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग दिखा है बैंक निफ्टी। कल वैसे तो मजबूत बंद हुआ है, लेकिन ऊपरी स्तर से हल्की फुल्की करेक्शन भी दिखी है बैंक निफ्टी में, क्योंकि ऊपरी स्तर से 350 पॉइंट नीचे आकर भी बंद हुआ है। तो रेंज काफी क्लियर कट वेल डिफाइंड है बैंक निफ्टी के लिए। अब जो सपोर्ट है आज के लिए वो है 44,900 से 45,000, ये 100 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। और ऊपरी स्तरों पर 45,500 से लेकर 45,650 वो रेंज है जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। मेरा ये समझना है कि जो बढ़ने की स्पीड है वो थोड़ी सी धीमी पड़ेगी, आपको सही लेवल का इंतजार करके एंट्री करनी चाहिए। बाजार के ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं है, बाय और डिप की रणनीति आपको रखनी ही है, बस सिर्फ फर्क सिर्फ इतना है कि एक तरफा जो और बड़ी रफ्तार से बाजार बढ़ रहे थे वहां पर थोड़ा सा ब्रेक लगेगा, धीमे धीमे बढ़ेंगे, हर एक लेवल पर रुकेंगे, हल्का फुल्का छोटा मोटा करेक्शन होगा इंट्राडे में, और वापस से रफ्तार पकड़ेंगे। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी के साथ बाजार में आज भी बने रहे जी। ओके, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दर्शकों को बताने के लिए कि आज एग्जैक्टली एक्सपेक्ट करके क्या चलना है। तो मोमेंटम में, ट्रेंड में किसी तरह का बदलाव नहीं है, भले ही आपकी गाड़ी थोड़ा रुक रुक के चलेगी, धीमे चलेगी, लेकिन आपको बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति अपनानी है। 19,235 से 300 ये आज सपोर्ट रेंज निफ्टी के लिए साबित होगी। अपर बैंड है वो 19,500 तक स्ट्रेच होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिमिलरली बैंक निफ्टी सर के अनुसार 44,945,000 ये आपके लिए एक अच्छे सपोर्ट रेंज का काम करेगा, और ऊपर 45,500 से 650 ये आज एक आप कह सकते हैं वॉल का या एक रेजिस्टेंस का काम करता हुआ ये रेंज दिखाई देगी।